यूएस का डेरपा यानी कि डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी पिछले 5 सालों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने एक खास तरीके की चिप बनाई है जो कि इंसानों के दिमाग में लगाई जाएगी। वो उन इंसानों के दिमाग में लगाई जाएगी जिनकी याददाश्त जा चुकी है या फिर याददाश्त उनकी चली जाती है, जिस तरीके से आपने गजनी फिल्म में देखा होगा, उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का पंगा था आमिर खान के साथ में। तो इसी तरीके के लोगों के दिमाग में चिप लगाई जाएगी जिससे कि उनकी याददाश्त वापस आ सकती है। अब कोई भी कारण हो सकता है उनकी याददाश्त खोने का, कि उनके दिमाग में कोई चोट लगी या फिर कोई इंजरी हुई है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से याददाश्त जा चुकी होती है, क्योंकि दिमाग के सिग्नल अब उस जगह से वीक हो चुके होते हैं। तो उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए चिप लगाई जाएगी और इसमें लगे हुए सेंसर दिमाग के उसी पार्ट को हिट किया करेंगे जो कि वीक सिग्नल भेज रहा है। फिलहाल के लिए एग्जैक्टली किस तरीके से काम करेगा वो क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी भी ये प्रोटोटाइप स्टेज में, और जैसे ही मालूम चलता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया है। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट, मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। मारियो गेम तो आप सभी ने खेल रखी होगी निंटेंडो कंसोल पे, जो कि एक बहुत ही कमाल की गेम थी, और यहाँ पर आप इसको अब दोबारा से खेल सकते हो, वो भी 75 लोगों के साथ में मिलकर। बेसिकली 75 तो आप ही होंगे, तो यहाँ पर आप इतने लोगों के साथ में मिलकर ये खेल सकते हो, जिसका नाम है मारियो रॉयल, और ये अभी अवेलेबल है वेबसाइट पे infernoplus.com पे, जिसके बाद में शायद आपको ये मिले भी ना, क्योंकि यहाँ पर एक ये यूज़र मेड गेम है जिसके ऊपर निंटेंडो शायद एक्शन भी ले सकता है, लेकिन अभी आपके पास में मौका है इसको कई लोगों के साथ में खेलने का, जहाँ पर एक रेस लगेगी कि कौन पहले पहुँचता है। अगर आपके पास में स्किल है पहले पहुँचने का, पहले स्टेज क्लियर करने का, तो वहाँ पर आप अपने स्किल खा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यूके के अंदर एक खास तरीके का टैक्स भी हुआ करता था जिसको बोला जाता था विंडो टैक्स, जो कि 1696 में लागू किया गया था विलियम III के द्वारा, और यहां पर जिन भी लोगों के घरों में 6 से ज्यादा विंडो हुआ करती थी उनको ये टैक्स चुकाना पड़ता था, जिसकी वजह से उन लोगों ने टैक्स से बचने के लिए अपनी वो सारी विंडो पर ईंटें लगवा दी थी, ईंटों से चिनाई करवा दी थी, ताकि उनके पास में 6 से ज्यादा विंडो ना हो, ताकि उन्हें टैक्स ना भरना पड़े। एक गेम है जिसको दो जने मिलकर खेला करते हैं जिसको बोला जाता है UGO कार्ड गेम, जहाँ पर कोनामी ने एक नया रूल निकाला है कि इसको जब दो प्लेयर्स खेला करेंगे टूर्नामेंट के अंदर तो उनके कपड़े साफ होने चाहिए, उनमें से स्मेल नहीं आनी चाहिए। ये प्लेयर्स के पर्सनल हाइजीन को ध्यान रखते हुए किया गया है ये फैसला, जहां पर अगर कोई ऐसा प्लेयर होता है जिसके कपड़े गंदे होते हैं या फिर स्मेल आ रही होती है उनमें से, तो उनको पेनलाइज किया जाता है। रोम के ट्रेवी फाउंटेन पे रोजाना 3,000 यूरो के सिक्के लोग फेंक कर जाते हैं, और यहां पर अगर इसको कैलकुलेट करो तो ये 10 लाख से भी ज्यादा हो जाते हैं साल के, और लोग इसको चुराने की कोशिश भी करते हैं जो कि इलीगल है, इसको रोका जाता है, और यहां पर जितने भी सिक्के इकट्ठे होते हैं उन सभी को चैरिटी में डोनेट कर दिया जाता है। 1924 में करीबन 14 बाइसन को इंपोर्ट किया गया था कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया पर एक वेस्टर्न मूवी को शूट करने के लिए, और जब इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो गई थी तो इनको वापस नहीं ले जाया गया था, और आज की डेट में इनकी जनसंख्या करीबन 150 से 200 हो चुकी है। वैसे तो कहा यह जाता है कि आप किसी भी पेपर को करीबन 7 से ज्यादा बार फोल्ड नहीं कर सकते, अगर आप ऐसी कोशिश करते हो तो वो काफी ज्यादा बड़ा पेपर होगा, और यहां पर अगर आप 103 बार किसी पेपर को फोल्ड कर देते हो तो ये उतना ही ज्यादा मोटा होगा जितना मोटा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। जर्मनी के अंदर फादर्स डे को मनाने के लिए कुछ लोग बियर की बोतलें एक कार्ट में रखते हैं और उसको लेकर पार्क में घूमते हैं, जहां पर वो बियर की बोतलें पीते भी हैं, और ये तब तक पीते हैं वो जब तक बेहोश नहीं हो जाते या फिर वो कार्ट ही खाली नहीं कर देते। एक ब्रिटिश महिला जिनका नाम है एमी डेलामूरा, उनको समुद्र पे जाने से बैन कर दिया गया है। ये समुद्र से करीबन 50 मीटर दूर ही रहा करेंगी, अगर ये उससे पास जाने की कोशिश करेंगी तो इनको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने करीबन 50 बार अटेम्प्ट किया है सुसाइड करने का समुद्र के अंदर, और यहां पर इनको हर बार बचा लिया जाता था, और यहां पर इनको बचाने की ही कॉस्ट हो चुकी है करीबन $1 million, जिसकी वजह से इनको कंप्लीटली बैन कर दिया गया है समुद्र के आसपास भी जाने से। तो ये करीबन 50 मीटर दूरी रहा करेंगी समुद्र से, अगर पास जाएंगी तो इनको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर एक तो इमरजेंसी क्रू की जान खतरे में आ जाती है इनको बचाने के लिए वो समुद्र में जाते हैं, और यहां पर पैसा भी इनको बचाने के लिए खूब सारा लग चुका है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा मरना है मर, नहीं मरना क्यों टाइम वेस्ट कर रही है। हांगकांग के अंदर पॉन साइट बिल्कुल बंद कर दी गई है, उन्हें शट डाउन कर दिया गया है, जिसके अगेंस्ट लोग अब रोडों पर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये क्या नौटंकी चल रही है, एक ही चीज देख के हमारी आंखें खुल सकती थी, तुमने वो भी बंद कर दी।
फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है। मैं जानता हूं आप क्या सुनना चाहते हो। मोदी जी वाह।